पीसीओडी क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये स्ट्रेस की वजह से होता है, जेनेटिक होता है, मदर को है, मासी को है, सिस्टर को है, तो आपको भी होगा। ये फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, चाउमीन है, मोमो है, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब खाते हैं, तब भी पीसीओडी होता है। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है आपकी बहुत ज़्यादा, कि आप बस बैठे रहते हैं तो पीसीओडी होता है। आपकी वॉक ज़्यादा नहीं है, आप रात में सोते नहीं हैं, सुबह दिन भर सोते हैं, या देर से उठते हैं, या रात भर जागते हैं। आजकल स्टूडेंट्स हैं वो रात भर जागते हैं और सुबह सोते हैं, कि रात में स्टडी करनी है और सुबह सोना है। तो दिस इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ पीसीओडी। और इसमें क्या होता है कि पेशेंट को इरेगुलर मेंसेस होता है, मेंसेस डिले होने लगता है, 1.5 महीने बाद आएगा, 2 महीने बाद आएगा, 3 महीने बाद आएगा, और जब आएगा तो बहुत ज़्यादा फ्लो आएगा। समटाइम्स स्कैंटी भी आता है फेस पे, इसमें पिंपल्स आने लगते हैं, फेशियल हेयर आने लगते हैं, जैसे कि मूछें सी आने लगेगी पेशेंट को, हल्की हल्की बियर्ड सी भी आने लगेगी, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, तो इसमें क्या होता है कि दाढ़ी आ जाती है पूरी, और बाल आपके हेयर लॉस होने लगता है पेशेंट को। इसके कॉम्प्लिकेशन है कि इनफर्टिलिटी आती है सबसे पहले तो, कि पेशेंट को कंसेप्शन में, प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। दूसरा ये है कि एनोवुलेशन होता है, अंडा नहीं बनता है, जो कंसेप्शन के लिए बहुत ज़रूरी है वो नहीं बनता है पेशेंट को। डायबिटीज़ आगे चल के फ्यूचर में हो जाती है, हाइपरटेंशन हो जाता है, हार्ट रिलेटेड डिजीज़ हो जाती है।